साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी की। आज की तारीख में आप जानते हो कि हमें इंटरनेट बिना सोशल मीडिया बिना नहीं चलता है। मैं यहाँ आपको कोई ये कहने के मूड में नहीं हूँ कि भाई सोशल मीडिया यूज मत करो, इंटरनेट यूज मत करो। मैं तो करती हूँ यूज करो, क्योंकि उसके यूज से हमारा देश का विकास हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, वी आर बिकमिंग अ बाउंड्रीलेस वर्ल्ड। हमें एक ही मिनट में पता चलता है वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारा नॉलेज बढ़ रहा है। सो यूज करना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा भी यूज नहीं करो कि कोई सामने वाला हमें यूज करके मिसयूज कर लेगा। इसलिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। इससे ज्यादा मैं आज आपको कोई और चीज नहीं बताऊंगी, और सावधानी में सबसे पहले मैं वहां से चालू करना चाहूंगी, अपने गांधी जी के तीन बंधन। तीन बंधन ने क्या सिखाया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। ठीक है, अब मैं इसके बदले आपको ये बता रही हूँ कि आप ये तीन फंडामेंटल्स याद रखना सोशल मीडिया में, कि सबसे पहले कुछ भी लाइक मत करो, यानी कुछ भी, यानी आड़ावला लाइक मत करो, ऐसा मत करो कि कुछ आपको जो आड़ावला टाइप मत करो और आड़ावला शेयर मत करो। आज की तारीख में अगर आपने देखा हो तो लोगों को कुछ भी शेयर करके डाल देते, कुछ भी शेयर करके डाल देते, ऐसा मत करो। उससे आपको नुकसान किस तरह है ये भी बता दूं कि जो भी आप आड़ी वाली चीज शेयर करते हो तो लोगों को पता, आपकी आपकी नॉलेज की लेवल पता चल जाती है कि भाई इसकी नॉलेज कितनी है, क्योंकि कई चीजें बकवास आती है, और एक्चुअली जब शेयरिंग या फॉरवर्ड जाते हैं वो तो 90% बकवास आते हैं। दूसरा कि जब आप लाइक करते हो तो आप ये देख के लाइक करो कि कुछ अच्छी चीज हो जिससे लोग प्रेरित हो। अगर आपने ऐसे ही लाइक कर दिया तो उससे भी आपकी लेवल पता चल सकती है। और अब तीसरी बात की, जब आप टाइप करते हो, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप आपका ओपिनियन शेयर करो, ओपिनियन बताओ, ओपिनियन वॉइस करो, लेकिन जो भी करते हो उसको शिष्टता से करना है। हमको कुछ गाली गलौजी से हमारे को टाइप करके बताना नहीं है। हम जब साइबर सेफ्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारी बहनों को आदत है, और वो एक अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, कि हम हमारे जो भी हम करते हैं हम लोग ऑनलाइन डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि मान लो कि आप बाहर गांव जा रहे हो, तो आप फेसबुक पे डालोगे मैं बाहर गांव जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहां जा रही हूँ, पूरी फैमिली जा रही है, भैया जा रहा है, भाभी जा रहा है, पापा जा रहे हैं, मम्मी जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, यानी आप ये डाल रहे हो कि आपका पूरा घर खाली हो गया है। यानी इसको अगर आपके जो सोशल मीडिया पे, क्योंकि आज की तारीख में तो चोर आपसे दो कदम आगे चलते हैं, आप ये मत समझना कि चोर उनको कुछ नहीं आता है या वो अलग लेवल के, वो यही सोशल मीडिया के ही चोर होते हैं, जो जानते हैं कि ये आप जा रहे हो तो आपके घर में कैसे वो लोग चोरी कर सकते हैं। अब आप सोचोगे अरे मैंने तो एड्रेस ही नहीं डाला, किसी को तो मेरा एड्रेस ही नहीं पता चलेगा। यहाँ आप गलती कर रहे हो, आपने एड्रेस नहीं डाला, लेकिन चोर होशियार है। आपके जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें से कोई और फ्रेंड बनाएगा, उससे दोस्ती करेगा, जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, और आपका घर का एड्रेस निकाल सकते हैं। आपको मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लेट से आप बारगाम जाते हो, आपके घर के बाहर तो कभी लिख के नहीं जाते ना कि मैं बारगाम जा रहा हूं या जा रही हूं, और मैं ये तारीख को जा रही हूं, ये तारीख कहूंगी, तो आप उस पे सोशल मीडिया पे क्या लिखने की आपको जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप किसी से, आप सब लोग आपको ये तो बोलते हैं कि भाई एडी ओनली फ्रेंड रिक्वेस्ट मत लो, ये मत करो, वो मत करो। मेरा इसमें सिंपल सा फंडा है कि मान लो हर आदमी को पॉपुलर होने पसंद होता है कि मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड्स हैं, चलो अब इसमें मैं बहस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बोलूंगी तो भी आप मेरा मानने नहीं वाले, लेकिन आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सारी एक्सेप्ट कर लो, कोई गलती नहीं है। लेकिन अब यहाँ इंपॉर्टेंट है आपको कि क्योंकि हर लड़की को, हर आदमी जानता है कि लड़की को कैसे इमोशनली पकड़ सकते हैं, उसका ट्रस्ट कैसे जीत सकते हैं। अगर उसने डाल दिया हाय ब्यूटीफुल तो आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना याद रखना कि हर लड़की को पता है कि अगर उसको ब्यूटी के बारे में बोला जाएगा, उसकी तारीफ की जाएगी, तो वो खुश हो जाएगी और वो इमोशनली उससे अटैच हो जाएगी। यहाँ पे आपको आपका दिमाग यूज करना है। ये मत समझना कि ऐसे ही लोग ने आपको ब्यूटीफुल बोल दिया और आपने लगा कि ये मेरा हो गया या ये एकदम मेरा अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं होता माय फ्रेंड्स। आपको इसमें खास ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको रोक लगानी है, यहाँ पे आपको सावधानी करनी है। अगर आप सामने वाले से इमोशनल अटैच नहीं होगे, आप तुरंत ट्रस्टिंग नहीं करोगे अननोन लोगों को, तो आप सेफ हो। जैसे ही आपने ये कर दिया, टेक माय वर्ड फॉर यू आर गोइंग टू बी मिसयूज्ड, इफ नॉट टुडे देन टुमारो। इतनी आप सिर्फ ये दो सावधानी रखोगे तो आप बहुत अपने आप को सेफ रख सकते हो। और आई विश, और दूसरी बात कि आपके जो फ्रेंड्स है, मान लो कल आपके किसी फ्रेंड ने आपको किसी ऐसे ही कोई फेसबुक फ्रेंड की बात की, तो उसको जरा संभालना, उसको समझाना कि भाई तू पहले देख ले, वेब कैमरा चालू करके चालू मत हो जाओ। जो लोगों को नॉर्मली लेडीज को आदत है कि भाई वेब, वो बोलेगा शक्ल देखा ना, वेब कैमरा होकर चालू हो जाता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ सच थिंग्स। आपको आपके सिर्फ इमोशंस पे वो करना है। मान लो कि आपको आज मूड नहीं है, कई बार लड़कियों को आदत है लिखने की, आज तो मेरा मूड नहीं है, बारिश की सीजन तो बारिश की सीजन है, घूमना जाने का मूड है, ये हो। जब आप ये लिखते हो, आपके इमोशंस जब आप बताते हो, तो सामने वाला वो इमोशंस को मिसयूज करता है। मान लो आपने लिखा तो ड्राइव पे जाना मूड है, और सामने वाले ने किसी ने जो फेसबुक पे हार्डली आपको दो चार बार हेलो आई किया होगा, हेलो ब्यूटीफुल किया होगा, वो आपको डाल देगा कि आपको फोन करेगा कि चलो अपने, मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता हूं, और आप वहां फिसल गए तो बॉस फिसल गए। इसलिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। दिस इज द ओनली थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू इन टेकिंग केयर ऑफ सोशल मीडिया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे
कैसे इंटरनेट को सही रीत से यूज करें ताकि हम इट इज बेनिफिशियल एंड प्रॉफिटेबल टू अस, वरना अदरवाइज क्या होता है कि नॉर्मली इंटरनेट अगर हम गलत रीत से यूज करते हैं तो हमें ज्यादातर फाइनेंशियल लॉस होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है। जैसे कि आप सब जानते हो कि जैसे कि स्पैम, स्पैम में क्या था, वो नाइजीरियन स्पैम्स थे, आपको लॉटरी लगी आप इतने करोड़ों रुपए मिलेंगे ये, और वो हमको ल्योर करते थे और हमसे अकाउंट नंबर मांगते थे, हम कुछ ल्योरों के अकाउंट नंबर दे देते, लालच में अकाउंट नंबर दे देते और फिर हमारे सारे पैसे, या हम सामने से भी पैसे डालते कि चलने भी 2 लाख रुपया मांगता है सामने, मेरे को 1 करोड़ मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्पैम के बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरनेट के लिए मैं आपको सेफ्टी के लिए सिर्फ इतना बता दूंगी, आपकी लालच को, लोभ को, ग्रीड को आप कंट्रोल में रखो। जितना आपने कंट्रोल में रख दिया आप कभी भी बेवकूफ नहीं बनोगे। स्पैम के बारे में बात करती हूँ। दूसरी मैं बात करूंगी फिशिंग के बारे में। फिशिंग के बारे में यानी जो जाली नहीं लगते हो मच्छी पकड़ने के लिए, इस तरह वो लोग क्या करते हैं कि आपको ऐसे जैसे कि एग्जांपल गूगल से, ईबे से, अमेज़न से एग्जैक्ट दिखेंगे ऐसे मेल्स डालते हैं कि आपका अकाउंट क्या कहता है, आपका ईमेल अकाउंट स्टॉप हो गया है गूगल का, या आपका ईबे अकाउंट स्टॉप हो गया है, या आपका फ्रोजन हो गया है, या कोई और अंदर लॉगिन किया है, हमने ब्लॉक किया है, तब तुरंत लॉगिन करोगे और वो लिंक पे क्लिक करके आप लॉगिन करने जाओगे तो एक्चुअली वो ईमेल पे जाएगी नहीं, वो आपका खाली यूजर नेम और पासवर्ड की हार्वेस्टिंग कर रहा है, डेटा हार्वेस्टिंग कर रहा है और आपसे डेटा लेके आपको फिर आगे फंसाएगा। सो ये एक सेकंड स्पैम है जिसे फिशिंग कहते हैं। स्पूफिंग का मतलब ये है कि जैसे कि कई बार हुआ था बीच में कि इनकम टैक्स आपको लगे, इनकम टैक्स ने आपके रिफंड दे रहे हो और ये इनकम टैक्स साइट से आ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स की साइट से आ ही नहीं रही थी अलर्ट, ये आ रही थी किसी और वो स्पैमर से, स्पूफर से, जो आपका इनकम टैक्स की सारी अकाउंट की डिटेल्स लेके आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स ले रहे थे। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो है प्रमोशनल ऑफर्स, जो भी बहुत चल रही है। अगर आपने देखा और आप लोग बहुत एंथू करके सबको फॉरवर्ड करते हो, मैंने देखा है तो व्हाट्सएप में भी होता है कि भाई अभी भगत सिंह की टी शर्ट आ रही है आपको, उसमें कोई गलत नहीं है, वो उसने लिखा है कि ये तो खाली 5,000 टी शर्ट दूंगा, भगवान जाने वो 5,000 देगा भी कि नहीं देगा, लेकिन आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, वो सबका आपका ले रहा है ऐसी प्रमोशनल ऑफर्स के बीच में। किसी ने बोला कि हम ये स्पोर्ट्स शू दे रहे हैं महंगे फ्री में, सर कुछ भी चीज देयर इज नथिंग फॉर फ्री। सो आप ये लोग मत करो, क्योंकि आप जब ये लोग करते हो आप ये डेटा हार्वेस्टर्स को, डेटा माइनर्स को आप मौका देते हो कि वो आपकी सारी डिटेल्स ले लेता है, जो आपकी डिटेल्स फ्यूचर में मिसयूज होती है। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस हॉक्स, स्पेशली मोबाइल में आता है, कुछ भी कहीं भी साइट पे हो तुरंत ऐसे करके पॉपअप होगा कि भाई ये आपके मोबाइल पे वायरस आया, यहाँ क्लिक करो हम लोग क्लीन कर देंगे। आप ये क्लिक कभी भी मत करना, ऐसे वायरसेस नहीं आते, क्योंकि आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके पूरा डेटा जो होता है आइदर कुछ अलग आड़ा वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, या आपका डेटा आप जैसे ही क्लिक करते हो इट गिव्स एक्सेस टू योर डेटा, टू योर एड्रेस बुक, टू योर मोबाइल एड्रेस बुक। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम कहते हैं, तो सबसे डेंजर चीज है जिसे स्पाईवेयर कहते हैं, ट्रोजन वेयर कहते हैं, स्पूफ वेयर कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही गलती से इस तरह कुछ भी क्लिक कर लेते हो तो आपके उसमें वो पूरा स्पाईवेयर डाउनलोड हो जाता है। उसमें कई बार की लॉगर्स यानी क्या कि आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो सारी टाइप, अगर आप पासवर्ड, यूजर नेम, आपका ये अपना ये क्या कहते हैं बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर, जो भी आप वहां टाइप करोगे तुरंत सामने ही उसको SMS या ईमेल हो जाएगी वो डिटेल्स, और आपके सारे डिटेल्स सामने वालों को मिल जाएगा और फिर वो आपके कंप्यूटर को हैक कर सकेगा, आपके मोबाइल को हैक कर सकेगा, या डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे निकालेगा। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आप ये सब लोग लालच में मत रहो, कुछ भी फ्री नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखोगे तो आप इसमें बेवकूफ नहीं बन पाओगे। आप कुछ भी लिंक्स को क्लिक मत करो, क्योंकि जैसे ही वो लिंक तो कुछ दिखती और है जाती कहीं और है। अब आते हैं थोड़े टेलीफोन के बारे में बात करूं। टेलीफोन के बारे में लोगों को भी लोग लालच होते हैं, जैसे किसी का फोन आया कि भाई आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो रहा है, आप डिटेल्स हम आपका ATM कार्ड खोल देते हैं। अब आप उस वक्त तो जाओगे नहीं ATM देखने, तो उस लोग लालच में आप ATM डिटेल्स देती है और उसके 10 मिनट के अंदर आपका ATM में से कितने पैसे उठ जाते हैं आपको SMS के थ्रू पता चलता है। सेम आपका क्रेडिट कार्ड के लिए होता है। सो मुझे आपको बताना कि अगर इस तरह के कोई भी कॉल्स आते हैं, कई बार बोलते हम बैंक से बोल रहे हैं, कोई भी कॉल्स आते हैं, यू हैव नॉट टू एंटरटेन सच कॉल्स एंड टेल देम कि नहीं आपको जो भी कहना है आप मेरे को ईमेल के थ्रू को एंड लेट इट कम फ्रॉम अ ऑथराइज्ड ईमेल, या आप बोलते हो कि कोई बात नहीं मेरा कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो मैं उसको बाद में हैंडल कर लूंगा। सो इफ यू डू सच थिंग्स, इफ यू आर श्योर अबाउट योर थिंग्स, तो आप अपनी साइबर सेफ्टी रख पाओगे। और आई अगेन रिपीट, इंटरनेट इज वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल, बट इट शुड बी सीन कि आप इसको कहीं भी इस तरह गलत यूज करने लोगों को ना दो।